करते अगली खबर दा सरकार वालों भावें तक लख दावे किए जा रहे होण कि जेलों के हालात सुधारे जा रहे हैं, लेकिन जेलों चो मोबाइल फोन मिलन का सिलसिला लगातार जारी है। तो हुण फिरोजपुर की केंद्रीय जेल चो तलाशी दौरान एक बार फिर तो चार मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तो जेलों चो मोबाइल फोन मिलन का सिलसिला लगातार जारी है, भावें लख कदम चुके जाने के दावे किए जा रहे होण। तो हुण फिरोजपुर की केंद्रीय जेल जिथे कि तलाशी ली गई जिस दौरान चार मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, नाल दे नाल इत्थे तंबाकू दीआं 8-8 पुड़ियां ते एक सिगरट की डब्बी भी बरामद हुई है। गोइंदवाल साहब जेल चो दो मोबाइल से चार्जर बरामद होया, 10 दे 27 बीड़ियां दे बंडल ते 32 तंबाकू दीआं पुड़ियां भी इत्थे जेल चो मिलियां ने। जेल अधिकारियों की शिकायत ते पुलिस वल्लों हुण मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन सवाल फिर उही खड़ा हुंदा है कि आखिर किस तरह दे नाल किन्हां दी मिली भुगत या किसकी मदद दे नाल इह जेलां दे विच मोबाइल फोन पहुँच रहे ने, चार्जर पहुंच रहे ने, नशे की जड़े समगरी वो पहुंच रही है। यह अपने आप बड़ा गंभीर सवाल है, लेकिन लगातार केंद्रीय जेलों तो इस तरह मोबाइल फोन मिलने का जो सिलसिला है वो साफ दर्शाता है कि हालात ने जेल के अंदर भी सुरक्षा लैके, क्योंकि इतने जदों भी चैकिंग होंगी है जेलों के मोबाइल फोनों की बरामदगी होंगी है, और इन्होंने फोन के राही ही भावें वो जोड़े खतरनाक गैंगस्टर्स होन अपराधी होन लगातार बाहर की दुनिया के संपर्क में रहते हैं। सरबजीत सरना फिरोजपुर से जुड़ चुके हैं। सरबजीत, भावें सरकार लख दावे करे कि तमाम जड़िया कोशिशां कीतियां जा रही ने हालात को सुधारन की, लेकिन जेलों के अंदर ये जो मोबाइल फोन मिल रहे हैं वो सिलसिला कितने भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल राधा, मैं दसना चाहवागा भी जो सरकार के दावे है वो सिर्फ आग्ञा तक ही सीमित है, जमीनी तौर से वो लागू होंगे दिखाई नहीं देते। लगातार आए दिन जेल के जो मोबाइल फोन का मिलना तो जो पत्ती जन समगरी का मिलना एक दर्शाता है भी जेलों के किस तरह के हालात जो है वो है, क्योंकि बिना मंजूरी तो अंदर कोई चीज जा नहीं सकती। खाना पूर्ति करने लिए हवालातिया के जो अंदर बंद होंगे उन्होंने कार्रवाई जी करवा देंगे, लेकिन जो जिम्मेवार लोग ने उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं होती, एक वड्डा सवाल जरा यह बनया होया, क्योंकि पंजाब की कई जेलों के ये जे मोबाइल का मिलना वो लगातार दस्तूर जारी है। पिछले दिनों के भी वही तादाद में जो मोबाइल मिले थी समगरी मिली थी, अज फिर जे चार मोबाइल जे मिले ने पत्ती जन जी समगरी मिली है वो साफ तौर पर दर्शाती है भी जेलों के जिस तरह की सख्ती सरकार दावे करती थी सख्ती की गई है वो सख्ती बिल्कुल नहीं हैगी। मिनी भुगती जी हो सकती है भी जे अंदर मोबाइल का पहुंचना तो जे उ कह सकते अधिकारी या कर्मचारी है कितने ना कितने वो शक के घेरे जरूर आ रहे हैं। जी राधा, बिल्कुल शक के घेरे में आना लाजमी भी है, क्योंकि इस तरह के लगातार केंद्रीय जेलों खास तौर पर सुरखियों में रही है, और यही वो जे गैंगस्टर्स जो शातिर बदमाश ने इन्होंने फोन राही फिर जेलों बैठे व्योतबंदियां करते हैं अपराधिक घटनावां अंजाम देने लिए। बिल्कुल भी कह सकते हैं भी पंजाब का जरा माहौल है विगड़ता पाया, क्योंकि लगातार जे गैंगस्टर वालों जी अपने गोलियां चला के लोगों के दोस्त जे लोगों को मारे भी जा रहे हैं, ये जे गैंगस्टर है जिन्हें पिछ बंद है इतने भी जे जिलों के जे अपने मिशन चले है वो मोबाइल के जरिए ही कामयाब कराने की जड़िया कोशिशें कर रहे हैं तो उस कामयाब भी हो रहा है, लेकिन इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं होंगी, क्यों उच्च अधिकारियों की कार्रवाई नहीं होंगी, क्यों कर्मचारियों की कार्रवाई नहीं होंगी, ये जेल मंत्री ये जवाब देना ही पवेगा। बिल्कुल, जेल मंत्री की सरकार की जेल प्रशासन की सारे की एक वड्डी जिम्मेवारी बनती है, जवाबदेही बनती है, लेकिन इतने हालात किसी भी तरह सुधरन का नाम नहीं ले रहे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल दी है सारी जानकारी लिए।